हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नए वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, शुरुआत से ही इंसान फ्यूचर के लिए हिस्ट्री का डॉक्यूमेंटेशन करता आया है ताकि आने वाले जनरेशंस को अतीत के बारे में पता चल सके। आज हम आपको कुछ ऐसे ही डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताएंगे जिससे हमें प्रीहिस्टोरिक इंसानों के रहन सहन और जिंदगी के बारे में पता चलता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रायसेन मध्य प्रदेश में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में करीब 700 से ज़्यादा प्रीहिस्टोरिक रॉक कैप्स मौजूद हैं। 1957 में जब आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वकांकर ने इन भीमबेटका रॉक्स की डिस्कवरी की तो इनमें से करीब 350 कैप्स की दीवारों पर ऐसी पेंटिंग्स बनी थी जो हजारों साल पुरानी थी। ज्यादातर रिसर्चर्स का मानना है कि इन पेंटिंग्स और ड्राइंग के जरिए हमारे पूर्वज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे और अपनी लाइफ को आने वाले भविष्य के लिए डॉक्यूमेंट भी करते थे। इन पेंटिंग्स में आपको पैलियोलिथिक पीरियड से लेकर मेडिवल पीरियड की पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। पब्लिक के लिए खुली 12 केव्स में सबसे पुरानी पेंटिंग करीब 15,000 साल पुरानी है। पेंटिंग में आपको जंगली जानवर और उसका शिकार करते इंसान की पिक्चर देखने को मिलेगी। इन पिक्चर्स को बनाने वालों ने इनके जरिए अपने रहन सहन, फेस्टिवल्स, एग्रीकल्चर और उनसे जुड़ी कई चीज़ें पेंट की हैं, जैसे हाथी, सांबर, बाइजन और हिरन। पर ये पेंटिंग्स किन ब्रशेज और किस पेंट से बनी होंगी जो इतने सालों बाद भी एकदम सही सलामत हैं? दरअसल पैलियोलिथिक एज वो युग था जब इंसान ने पत्थर के औजार बनाना शुरू किए थे। ये युग 26 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक रहा। इस युग के अंत तक इंसानों ने एडवांस स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। खेती भी उस दौरान शुरू हो गई थी और जब पेंटिंग्स और ड्राइंग्स बनाने के लिए इंसानों को टूल्स की जरूरत पड़ी तो उन्होंने यहाँ पाए जाने वाले पत्थरों का प्रयोग किया, जैसे कि लाल रंग के लिए उन्होंने हेमाटाइट पत्थर का और सफ़ेद रंग के लिए लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर का प्रयोग किया। और यही कारण है कि इतने सालों बाद भी इनका रंग आज भी वैसा ही है। और पेंटिंग्स बनाने के लिए पॉर्क्यूपाइन के कांटे, पेड़ों की टहनी और उंगलियों का इस्तेमाल किया गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो उन चीज़ों का चित्र बनाते थे जिन्हें उन्होंने देखा था या कोई और वजह थी? कुछ लोग मानते हैं कि वो पेंटिंग्स यानी गुफा चित्र जादू टोने से जुड़े थे, पर इसकी पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। भीमबेटका के ये अनगिनत चित्र भारत के अतीत की गहराइयों से जुड़े हैं। माना जाता है महाभारत काल में वनवास के दौरान पांडव यहाँ पर आकर रुके थे और जिस जगह पर भीम बैठे थे उस स्थान को भीमबेटका कहा गया और ये स्थान भीमबेटका नाम से जाना जाने लगा। ये प्राचीन बस्ती करीब 10 किलोमीटर में बसी थी, मगर एक पाषाण कला तो और भी पुरानी थी। भीमबेटका की गुफा में मिले कप के आकार के निशान जो कपिल्स के नाम से जाने जाते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण से पता लगा वो कपिल्स पुरापाषाण युग की शुरुआत से थे। अगर हम इसे भारत के इतिहास के पैमाने पर देखें तो वो सम्राट अशोक से पहले के ही नहीं, सिंधु घाटी की सभ्यता से भी पहले के थे, बल्कि वो भीमबेटका के सबसे पुराने गुफा चित्र से भी पुराने थे। कपिल्स या कप के आकार के वो शिलाचित्र 2 लाख साल से भी ज्यादा पुराने हैं। 1999 में एक स्थानीय निवासी ने एक बहुत ही चौंकाने वाली खोज की। घने जंगलों से घिरे एक पठार पर उन्हें एक बहुत ही असाधारण गुफा मिली। उसके अंदर सैकड़ों कपिल्स बने थे। उस गुफा को आज दर की चट्टान कहते हैं और उस गुफा में मौजूद है दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्र। मिट्टी के सैंपल्स भी यहाँ से ऑस्ट्रेलिया भेजे गए और वहाँ के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की कि 60,000 साल पहले से लेकर 2,60,000 साल पहले तक इंसानों ने इस केप का प्रयोग किया था। इतिहासकारों में इन कपिल्स के समय काल को लेकर मतभेद है क्योंकि इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ये कपिल्स 1 लाख से 2 लाख साल पुराने हो सकते हैं, बल्कि कुछ तो 4 लाख साल पुराने भी हैं और वो उनकी वास्तविक उम्र हो सकती है। इस दर की चट्टान गुफा में 540 से ज्यादा कपिल्स बने हैं। दीवारों पर ऊपर से नीचे तक कुछ एक सीध में हैं तो कुछ झुंड में हैं और कुछ को साइज के अनुसार बनाया गया है। यहाँ के ज्यादातर कपिल्स 40 मिलीमीटर से कम डायमीटर के हैं और लगभग 6 मिलीमीटर तक गहरे हैं। कमाल की बात तो यह है कि हर कपिल्स को बनाने के लिए इन सख्त क्वार्टाइज चट्टानों पर हजारों बार हथौड़ों की चोट करनी पड़ी होगी।
लेकिन वैज्ञानिक आज भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये कैप्सूल्स है क्या, आखिर ये कैप्सूल्स क्यों, किस तरह और किस लिए बनाए गए, क्या इन्हें हमारे पूर्वजों ने बनाया था या फिर किसी और ग्रह के जीवों ने। शायद वैज्ञानिक इसका जवाब कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व के कारण यूनेस्को ने भी भीमबेटका रॉक शेल्टर्स को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल किया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।